हेलो स्टूडेंट, आज हम बालराम कथा के चैप्टर नंबर 2 जंगल और जनकपुरी का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमने पहले चैप्टर में देखा कि राजा दशरथ से विश्वामित्र दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसका उद्देश्य है अनुष्ठान के लिए जो राक्षस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनका संहार केवल राम ही कर सकते हैं। इसलिए विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम की ओर दोनों राजकुमारों को लेकर अयोध्या से चल पड़े हैं। पैदल जाते हुए विश्वामित्र के पीछे पीछे दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण सटे हुए कंधों के और नजर उठाकर आगे ही बढ़ रहे हैं। पूरे दिन तक वह चलते रहे। चलते चलते उन्होंने अयोध्या को तिरछे मोड़ से सरयू के किनारे किनारे चलते हुए अयोध्या आंखों से ओझल हो रही है। एक तीखा मोड़ आया, वहां से अयोध्या दिखाई देती बंद हो गई। पूरे दिन चलने के बाद विश्वामित्र ने पीछे मुड़कर देखा, तब उसने पाया कि दोनों राजकुमारों के चेहरे पर जरा भी थकान का लौ लेश मात्र भी कोई संकेत नहीं है। दोनों राजकुमारों को प्रशंसा की नजर से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए। रात होने को थी, गौधूली के समय गैया जो है नगर की ओर वापस मुड़ रही थी। पंछी अपने घोंसले में वापस जा रहे थे। यह देखकर विश्वामित्र ने रात्रि का यहां ही रुकने का विचार किया और दोनों कुमारों की ओर देखकर कहा कि हे राम लक्ष्मण, हम यहां आज रात्रि के दौरान ठहरेंगे। तुम सरयू नदी में हाथ मुंह पैर धोकर वापिस आओ। मैं आज तुम्हें निंद्राधीन होते हुए भी शत्रु आपका कुछ ना बिगाड़ सके ऐसी विद्या प्रदान करने जा रहा हूं। विश्वामित्र का आदेश पाकर दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण सरयू नदी में गए और वहां स्नान ध्यान करके वापिस विश्वामित्र के पास आकर बैठ गए। विश्वामित्र ने दोनों कुमारों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। इस विद्या की विशेषता यह थी कि शत्रु निंद्राधीन होते हुए भी उस पर कोई प्रहार नहीं कर पाते। बाद में विश्वामित्र ने भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान दिया, आसपास के विस्तारों का, पौराणिक संबंधी जो विशेषताएं है उसका भी विवरण करते हुए राम और लक्ष्मण को ज्ञान प्रदान किया। अंत में कुश यानी कि घास की पथारी पर दोनों सो गए। सुबह जब आंख खुली, दोनों विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। विश्वामित्र आगे चल रहे, राम लक्ष्मण बिल्कुल उसके पास। अब जो दोनों के बीच में दूरी है कम होती गई, क्योंकि बीच बीच रास्ते में विश्वामित्र उसे ज्ञान प्रदान कर रहे। भौगोलिक शास्त्र का ज्ञान है, किसी विशेष अगोचर ज्ञान है और आसपास के जो जुड़ी हुई कथाएं है उसका ज्ञान देते जा रहे। सही शब्द उनके कान पर आए इसलिए कम दूरी बनाकर दोनों भाई चल रहे हैं। चलते चलते सरयू और जहां गंगा का मिलन होता है वहां तक पहुंच गए। वहां गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि के आश्रम पर थोड़ी देर रुके। वहां से उसे गंगा पार करते हुए
दूसरे दिन जंगल में प्रवेश करना था। इसलिए मुनासिब यही समझा कि गौतम ऋषि के आश्रम पर ठहरा जाए। वहां पर विश्राम करते हुए वह रात के समय से पहले ही गंगा पार करके बिहड़ वन में प्रवेश करने से पहले विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को रोकते हुए कहा, देखो यहां से ये जो सुंदर वन दिख रहा है वह सुंदर वन में तारका का वन है। तारका नाम की जो राक्षसी है बड़ा उपद्रव मचाती है और उसके डर से कोई बिहड़ वन में प्रवेश भी नहीं कर पाता। इसलिए मुनासिब यही है कि आज रात हम यहीं पर ठहर जाए और सुबह के समय हम चलना शुरू करेंगे। गुरु की आज्ञा पाकर वहीं पर रात्रि के दौरान रुक गए। सुबह हुई तब विश्वामित्र ने पूरे वन का विवरण करते हुए बताया कि देखो ये जो सुंदर वन है वह ताड़का के डर से पूरा भीड़ हो चुका है। सूर्य की एक किरण भी यहाँ जमीन तक पहुंच नहीं पाती। दिवस में भी रात का अंधेरे का एहसास हो रहा है और झिंगुरू की आवाज और अन्य वन पशुओं की आवाज से ये जो उसकी भयानकता है और बढ़ जाती है। लेकिन देखा जाए तो ये बिहड़ वन और जानवर है ये तो वन की शोभा है, लेकिन तुम्हें डरना है तो केवल ताड़का राक्षसी से। अब हे राम, तुम्हें इस ताड़का का वध करके इस वन को निर्भीक बनाना है, निर्भय बनाना है। राम ने अपने कंधों से धनुष उतारा और अपनी प्रत्यंचा की आवाज से तारका को चुनौती दी। धनुष की प्रत्यंचा की आवाज तारका के कानों पर पड़ी, वह क्रोध में आकर बिलबिला उठी और जैसे ही उसने देखा कि दोनों राजकुमार, छोटे से राजकुमार मानव उनको युद्ध के लिए ललकार रहे, उनका क्रोध है और भड़क उठा और उसने पत्थर और धूल से दोनों को ढकने का और हमला करने की तैयारी कर ली। जड़ों के साथ जो वृक्ष थे उनको उखाड़ उखाड़ कर वह लक्ष्मण और राम की तरफ फेंकने लगी। बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं को राम की ओर फेंकने लगी, लेकिन राम लक्ष्मण उसके लिए तैयार थे। अपने धनुष पर तीरों की बौछार करते हुए उसने अनेक वृक्ष को काट दिया और जो पत्थर की शिलाएं थी उसका भी चूर चूर कर दिया। राम और लक्ष्मण का ये पराक्रम देखकर ताड़का और जोर से उसे युद्ध करने लगी। तब एक बाण है राम का उसके वक्ष स्थल पर लगा और छाती में वो घुस गया और यहां ताड़का का वध राम के हाथों हो गया। अंत में ये ताड़का वन है वो ताड़का की क्रूरता से मुक्त हो चुका था। यहां ही रात के दौरान विश्वामित्र ने रुकने का फैसला किया क्योंकि यहां से थोड़ी ही दूरी पर सिद्धाश्रम था। इसलिए दोनों राजकुमार के साथ विश्वामित्र उस ताड़का वन में ही रात के दौरान रुक गए। सुबह हुई तो पूरा वन है वो बदल चुका था। ताड़का का जो भय था वो यहां से सीमित हो चुका था, पूरा हो चुका था। पूरा जो वन है वह चिड़ियों की चहचहाट, मंद मंद पवन, शीतल पवन की लहरें और मुक्त मुक्ति का एहसास दिलाता हुआ ये वन है सुंदर दिख रहा था। तब विश्वामित्र के साथ दोनों कुमार आगे चलते हैं। विश्वामित्र ने ताड़का वध के बाद राम को गले लगा लिया और कहा कि ये तुम्हारे ही कारण यहाँ के लोग हैं अब मुक्ति का एहसास पाएंगे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम पहुंचे।
वहाँ के सिद्ध मुनियों ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। आनंद का उत्सव था क्योंकि काफी दिनों बाद विश्वामित्र अपने आश्रम पर पधारे थे, साथ में राम और लक्ष्मण थे, और उसको ये भी अनुभूति हुई कि अब हमारा जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, वो पूरा होगा। विश्वामित्र तो अनुष्ठान की तैयारी में, यज्ञ की तैयारी में लग गए। राम और लक्ष्मण ने 5 दिनों तक जरा भी पलके झपकाए बगैर पूरी रात यज्ञ की रक्षा की। चौकन्ने थे कि कहीं पर भी कोई संकट ना आए, इसलिए दोनों कुमार धनुष पर तीर चढ़ाए हुए यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। सभी ऋषिजन भी निश्चिंत थे क्योंकि 5 दिन तो वैसे ही गुजर गए थे, कोई भी विघ्न नहीं आया था, इसलिए अब उसे लगने लगा कि हमारा जो ये अनुष्ठान है निर्विघ्न परिपूर्ण होगा। लेकिन 5वें दिन के जो शाम हुई, तब सुबाहु और मारिच, मारिच है वह तारका का पुत्र है, वह अपनी माता का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए आज ऋषि के आश्रम में यज्ञ को विध्वंस करने के हिसाब से अपने राक्षस दलों के साथ आ पहुंचा है। देखते ही राम और लक्ष्मण है सावध हो गए और एक कवच सा बना लिया जिससे राक्षस है वह कुटिया के अंदर प्रवेश न कर पाए। दोनों ने सुबाहु और मारिच के साथ युद्ध किया। एक ही तीर में राम ने मारिच को ऐसा घाव लगाया कि वह दक्षिण के समुद्र किनारे पर जाकर गिर पड़ा। वहां से वह अपना जी बचाकर लंका की ओर चला गया। लक्ष्मण का एक तीर है वह सुबाहु के छाती में जा घुसा और वहीं पर ढेर हो गया। अपने प्रमुख राक्षस को मारे जाने से पूरे दल में खलबली मच गई। राक्षस अपना जी बचाकर इधर उधर भागने लगे, कुछ मारे गए, कुछ जी बचाकर भाग खड़े हुए। अंत में विश्वामित्र के इस यज्ञ का समापन हुआ। राम और लक्ष्मण के कारण जो विघ्न आया था वो भी टल चुका। विश्वामित्र ने बाद में कई शास्त्र अस्त्र की विद्याएं उसे सिखाई जो आगे जाकर उसे काम आने वाली थी, अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करवाए। बाद में राम और लक्ष्मण ने कहा कि हे ऋषिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब विश्वामित्र ने बताया, हे राम लक्ष्मण, मिथिला के राजा जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर है, हम सब उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, हमें आमंत्रित किया गया है, तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि वहां शिव का अद्भुत दिव्य धनुष है, उसका दर्शन करो। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए क्योंकि उसे भी मिथिला नगरी का बहुत समाचार सुने थे, उसकी भव्यता का, सुंदरता का जो वखान सुना था, इसलिए उसके साथ नगरी को देखने का एक उत्साह अलग था। राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र और उसके ऋषि कुमारों के साथ मिथिला चले। बीच में सोन नदी को पार करते हुए वह मिथिला नगरी में प्रवेश किया। जनक ने विश्वामित्र और ऋषियों का बड़े भली भांति से स्वागत किया, लेकिन उसकी नजर है राम और लक्ष्मण को, राम और लक्ष्मण पर टिकी हुई थी। वो कहने लगे, है ऋषिवर, ये दोनों ऋषि कुमार है या राजकुमार मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो आकर्षण है मुझे आकर्षित कर रहा है, आप बताइए उसका परिचय बताइए। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, यह राजा दशरथ के दोनों कुमार है राम और लक्ष्मण। मैंने उसे शिव धनुष की बात कही, इसलिए वह
शिव धनुष देखने के लिए यज्ञशाला में जाने के लिए आए हुए हैं। राजा दशरथ ने सेवकों को आज्ञा दी कि वह शिव धनुष है बुलाए। शिव धनुष इतना बड़ा था कि एक संदूक में रखा गया था, जिसको जिस संदूक में रखा गया था उसके 8 पहिए लगे हुए थे। 2-4 लोग तो उसे धकेल कर भी नहीं ला सकते थे। काफी लोगों के खिसकाने पर ये धनुष है इतना वजनदार, इतना भारी था। जनक राजा ने उस ओर धनुष की ओर देखते हुए कहा, दुखी होकर कहा, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है इसके कारण है ऋषिवर, मुझे लगता है कि मेरी कन्या है उसका कोई पाणि ग्रहण नहीं करेगा और उसे विवाह नहीं हो पाएगा। तब विश्वामित्र ने उसे दिलासा दिलाया, कहा कि जो ईश्वर ने तय किया है वो होकर रहेगा। बाद में उस धनुष को जनक राजा की सभा में ले जाया गया। वहां उस सभा में स्वयंवर में काफी सारे राजा राजकुमार आए हुए थे। सभी अपना बल और पराक्रम दिखाकर वह सीता से विवाह करना चाहते थे। तब एक एक करके शिव धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन किसी कुमार से ये धनुष हिल भी नहीं पाया। तब अपना अफसोस व्यक्त करते हुए राजा जनक ने कहा, मुझे लगता है कि ये पृथ्वी है वीरो विहीन हो चुकी है। सामान्य इस धनुष को कोई उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाया, उठाने की तो कोशिश की बात एक और रही, उसे हिला भी नहीं पाया। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण है क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में उठकर वो कहने लगते हैं, हे जनक, जहां रघुकुल शिरोमणि श्री राम हो वहां ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती है। तब विश्वामित्र ने उसको क्रोध को शांत करते हुए अपना आसन ग्रहण करने के लिए आदेश दिया। तब राम को इशारा करते हुए कहा, हे राम, तुम उस धनुष को उठाओ और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। गुरु के आशीर्वाद से, विश्वामित्र के आशीर्वाद से राम उठ खड़े हुए और जैसे एक बालक खिलौने को उठाता है वैसे ही इस धनुष को, शिव के धनुष को उसने पल भर में उठा लिया। फूल की भांति उस धनुष को उठता देखकर जो सभाजन थे वह हतप्रत हो गए, स्तब्ध हो गए। उसे लगा कि ये नाजुक कुमार कैसे उठा पाया, किसी की समझ में ना आया, कोई बोल भी नहीं पाया। तब उसकी चुपकेदी का अंत तोड़ते हुए जनक राजा ने कहा कि राम ने ये धनुष उठाकर स्वयं को सिद्ध कर दिया है। तब गुरु आज्ञा से वह प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन जैसे ही वह प्रत्यंचा की दूरी खींची वैसे धनुष के 2 टुकड़े हो गए। अंत में जनक ने सीता को आदेश दिया कि उसके गले में वरमाला डाले और ये सूचित किया विश्वामित्र को कि आज्ञा से राजा दशरथ अयोध्या में ये समाचार पहुंचाए गए कि राम ने स्वयंवर में सीता को जीत लिया है, इसलिए आप बारात लेकर उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए, जिसके लिए दूत रवाना किया गया। 5 दिनों तक दूत है वहां पहुंचा, एन फेन में सारी तैयारियां की गई और हाथी घोड़े रथ जोड़कर 5 दिनों में दशरथ राजा बड़ी बारात लेकर आ पहुंचे। सारी नगरी को, मिथिला नगरी को सजाया गया है, दीपों की माला की गई, पुष्प की माला से पूरा घर है, पूरा महल है,
सुशोभित किया गया। सब नगर नगरजन राम और सीता की एक झलक पाने के लिए तरस रहे। और यहाँ दशरथ और जनक राजा परिप्रीति से मिले। जनक ने कहा, राम ने यहाँ स्वयंवर में सीता को तो जीत लिया, लेकिन मेरी छोटी बेटी है उर्मिला, उसका विवाह मैं लक्ष्मण से करना चाहता हूँ। और अगर आपको इतराज न हो तो मेरा जो छोटा भाई है कुशध्वज, उसकी दो कन्याएं हैं, एक मांडवी दूसरी है सुतकीर्ति। मैं मांडवी का विवाह भरत से और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करवाना चाहता हूँ। दशरथ ने चारों कन्याओं के विवाह के लिए हाँ कर दी और ये प्रसंग है 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में राजा दशरथ ने विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात को ठहराया उसके आगता भगत की। बाद में राजा दशरथ चारों राजकुमार और नववधुओं को लेकर अयोध्या पधारे। अयोध्या में भी खुशी का माहौल छाया हुआ था, पूरे नगर को सुशोभित किया गया था। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा है तीनों रानियां नववधुओं का स्वागत करने के लिए लालायित थी। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों का उन्होंने भली भांति स्वागत किया। इस तरह यहाँ आपका जो दूसरा चैप्टर है जंगल और जनकपुरी समाप्त होता है। नमस्कार।